हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको गला और बाजू बताऊंगी और कंधे कैसे जोड़ने हैं वो भी सेकंड पार्ट्स में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। हमने अब क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको गला बताऊँगी, पहले कंधे बता देती हूँ। तो कंधे देखिए, हमने ये पीछे का पल्ला है जो इसकी इस तरफ, ये इस तरफ आ रही है सिलाई। तो हमने क्या करना, आगे के जो पल्ले हैं, ये आगे का जो एक पल्ला है, तो इसको भी इसके साथ जोड़ देंगे ऐसे ऐसे। ये देखिए, तो ये पल्ला उल्टा है और ये पल्ला उल्टा है और बीच में दोनों पल्ले सीधे हैं। तो सिलाइयाँ हमारी उस तरफ जा रही हैं दोनों। तो हमने क्या करना है, देखिए दोनों को मिला के हमने यहाँ पे एक मोंडा जोड़ना है। सिर्फ हमने एक ही मोंडा जोड़ना है क्योंकि हमें फिर बाद में गला बनाना है। तो यहाँ पे हम इन 30 फंदों के साथ बैक साइड के 3 फंदों को हमने जोड़ देना। तो एक फंदा बैक से उतारेंगे, बैक जो पिछली सिलाई है, और इस सिलाई के साथ इसको 2 का 1 कर देंगे। तो 2 का 1 करेंगे, फिर हमने पिछली सिलाई से एक फंदा अगली सिलाई में डालना और ये फंदा भी डालना। तो हमने 3 का 1 करना। सबसे पहले आपका 2 का 1 होगा, फिर आपने हर बार 3 का 1 करना है, लेकिन पिछली वाली सिलाई से अगली वाली सिलाई में पहले फंदा उतार के आपने ऐसे डालना है और फिर ये फंदा भी डालना है। तो आपने यहाँ पे 3 का 1, और फिर ऐसे ही आपने ये जो 30 फंदे हैं हमारे, 30 फंदों को हमने ऐसे ही करते जाना, जोड़ते जाना बैक पल्ले के साथ। तो देखिए ये ऐसे जुड़ रहा है, तो मैं इसको पूरे को जोड़ लेती हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट में मेरा एक फंदा रह गया, तो इसको भी हमने घटा देना है और यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 कर दिया और ये फंदा हमने इसके ऊपर ले लेना है ऐसे। चाहे आप ऊपर ले लें, चाहे आप ऐसे करें, इस फंदे में से ये वाला धागा निकाल के आप इसको यहाँ बंद कर सकते हैं ऐसे। आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए, तो ये हमारा मोंडा ऐसे जुड़ के तैयार हो गया। तो हमने गला बनाना है, गोल गला बनाना है। तो मैं दूसरा जो कंधा है वो नहीं जोड़ूंगी, ये वाला कंधा नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि मैंने 2 सिलाइयों से गला बनाना है और मैं 10 नंबर की सिलाई से गला बनाऊँगी। ये 9 नंबर है, तो 10 नंबर की सिलाई लगाऊंगी गले के लिए, क्योंकि बॉर्डर के लिए 10 नंबर लगाया था। और यहाँ पे बैक पार्ट में जो बैक पल्ला है, जो हमारा पिछला पल्ला है, उसमें 30 फंदे छोड़ के मैंने जो बाकी के फंदे हैं वो सारे ले लूँगी। शायद यहाँ पे 46 फंदे हैं जो बचेंगे हमारे सारे, क्योंकि टोटल जो फंदे थे वो 106 फंदे थे। हाँ, 106 फंदे, तो 106 में से 60 फंदे हमारे दोनों कंधों में जुड़ जाएंगे 30-30, और बाकी 46 फंदे बच जाएंगे। तो 46 फंदे मैंने इन्हीं के साथ ले लेनी। तो आपने कैसे, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, आपने फंदे कैसे उठाने हैं वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे तो देखिए मैं सीधी साइड से फंदे उठाऊँगी, और आपने क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पे आपने 16 फंदे घटाए थे स्टार्टिंग में, जब गला घटाया था। तो आपने क्या करना है, जो 16 फंदे हैं उनको जो आधा हिस्सा है, जो मतलब 8 फंदे हैं जहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितने फंदे आपके यहाँ उठेंगे उतने ही फंदे आपने दूसरे कंधे तक उठाने हैं। उससे क्या होगा, आपका गोल गला बहुत अच्छा बन के आएगा। अगर आप यहाँ से ज़्यादा उठा लेंगे, वहाँ से कम उठा लेंगे, तो गला काफ़ी एक तरफ से ढीला आएगा या फिर उसके अंदर झोल आ जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे बीचों बीच में इन 16 फंदों के बीच में यहाँ तक से यहाँ तक जितने फंदे उठाओगे, और देखिए फंदे कैसे उठाने हैं आपने वो भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे किनारी सी बनी है, ये किनारी बनी है यहाँ पे, ये वाली, इसके पास से हमने अलग ऊन ले लेंगे यहाँ पे। चाहे आप इसी ऊन से ले, पर ये इसकी आप इसी ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चाहे इसी से उठा लीजिए ऐसे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा
और फिर दूसरा फंदा और ऐसे करके तीसरा, यहाँ पे चौथा, और आपने ध्यान से फंदे उठाने हैं, यहाँ पे पांचवा, ऐसे करके आपने आधे फंदे उठा लेने हैं और फिर जितने यहाँ उठेंगे उतने ही आपने उस तरफ उठा लेने हैं। कम से कम यहाँ आपके 45 से 50 फंदे उठने चाहिए। देखिए तो आपने ऐसे ही फंदे यहाँ तक जितने उठाने हैं आधे तक, तो मैं यहाँ से वहाँ तक उठा लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में मैंने लूप इसलिए लगाया ताकि मैं आपको समझा सकूँ, यहाँ से यहाँ तक गोल गले में मेरे आधे में 41 फंदे उठे हैं, मतलब 41 फंदे यहाँ उठे हैं और 41 फंदे यहाँ उठे हैं, और बाकी जो मेरे बैक पल्ले के फंदे थे वो मैंने सारी सीधी सिलाई निकाल ली है और यहाँ पे 30 फंदे छोड़ दिए क्योंकि दूसरा मुंडा जोड़ना है। तो यहाँ से मैं पलट लूँगी। पलटने के बाद अब मैंने देखिए क्या करना है, पलटने के बाद आपने पहला फंदा आप उतार लेंगे और आपने यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट कर देना है, एक सीधा और एक उल्टा, यही बॉर्डर आपने बनाना है जो आपने पूरे स्वेटर में बना रखा है। तो मैं क्या करूँगी, 41 फंदे हैं जो, उनमें मैं चार चार फंदे और उठा लूँगी ताकि 45 फंदे हो जाएं हमारे एक तरफ, 45 45, मतलब टोटल जो मेरे फंदे हैं गोलाई में वो 90 फंदे हो जाएं, और 46 फंदे मेरे पास पीछे के हैं तो कम से कम मेरे पास यहाँ पे 136 फंदे हो जाएंगे जो जेंट्स स्वेटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो मैं यहाँ पे इनको बॉर्डर को ऐसे बना के फिर मैं एक एक फंदा, सॉरी चार फंदे आगे वाले पल्ले में से उठा लूँगी, चार फंदे इस तरफ और चार फंदे गोलाई में उस तरफ से। लूप मैंने इसीलिए लगाई है ताकि आसानी रहे थोड़ा सा देखने में कि हमने कहाँ से फंदे उठाने हैं और कितने फंदे हमारे कहाँ तक हो गए। बस आपने गोल गले में यही ध्यान देना है। तो मैं यहाँ तक मुंडे तक बना लेती हूँ इसको। तो यहाँ देखिए मैं मुंडे के पास आ गई हूँ, यहाँ मुंडे पे, बाकी मेरे जो फंदे हैं वो अलग हैं पीछे वाले के। तो यहाँ पे देखिए मैंने फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि मुझे चार फंदे बढ़ाने हैं और, तो चार फंदे मैं बीच बीच में से कैसे बढ़ाऊँगी वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक बस इतने में मुझे चार फंदे बढ़ाने हैं इसमें, और इसमें अलग बढ़ाने हैं चार फंदे, तो आठ फंदे बढ़ जाएंगे हमारे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से उठा लेंगे और ऐसे एक फंदा यहाँ से बढ़ा लूँगी और तीन फंदे आगे से बीच बीच में से उठा लेंगे हम जहाँ से हमें स्पेस दिखाई देगा। देखिए यहाँ से अब एक फंदा यहाँ से ये ऐसे उठा लूँगी, ये मैंने पूरे उल्टे डाल दिए हैं तो मैं इनको थोड़ा ठीक करके, क्योंकि बॉर्डर बना रही हूँ मैं। तो देखिए मैंने एक सीधा एक उल्टा करके यहाँ पे दो फंदे तो उठा लिए थे पीछे, अब इनमें भी मैंने, अब देखिए यहाँ पे सीधा डाल लिया, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, ऐसे करके जहाँ आपको जगह दिखाई देगी वहाँ से आप एक एक फंदा उठा लीजिए। तो यहाँ से मैं देखिए यहाँ से उठा लूँगी, ये तीसरा फंदा है, और इसको उठा लूँगी, और तीन फंदे हमने उठा लिए, एक फंदा रह गया हमारा। तो आपने ऐसे ही उठाना है और ये पूरा आपने राउंड ऐसे ही निकालना है। तो मैं इनको पूरों को ऐसे ही कर लूँगी, चार फंदे इस तरफ चार फंदे उस तरफ करके मेरे 45 45 फंदे हो जाएंगे आगे वाले, मतलब टोटल मेरे 90 फंदे हो जाएंगे आगे वाले हिस्से में और 46 फंदे पीछे वाले में। तो ये कर लेती हूँ, पहले सिलाई पूरी निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने सारे फंदे अपने पूरे कर लिए हैं, 90 फंदे मेरे गोलाई में उठे हैं और 46 पीछे वाले में हैं। तो आपने इन पूरे फंदों को 10 नंबर की सिलाई पे आपने एक सीधा एक उल्टा एक सीधा उल्टा बॉर्डर बनाते जाना है और कुछ नहीं करने, बस यही आपने सीधा उल्टे का बॉर्डर बनाना है। कम से कम आपने जितना चौड़ा रखना है उतना रख सकते हैं आप, मैं इसको कम से कम 1.5 पौने 2 इंच के करीब ऐसे ही बनाती जाऊँगी। तो सिर्फ आपने इन फंदों को, इसमें कुछ नहीं घटाना कुछ नहीं बढ़ाना, सिर्फ आपने इन 90 अगले फंदों को, और एक 136 फंदे हो गए हमारे टोटल,
136 फंदों को हमने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर 10 नंबर की सिलाई में ऐसे बनाते जाना है। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ ऐसे ही, ये देखिए, और फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने कितना बनाया है। देखिए मैंने यहाँ पे गले में 12 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। अब हमने 12 सिलाइयाँ निकाल के सीधी तरफ से हमने क्या करना है, देखिए 4 सिलाइयाँ हमने कैसे निकालनी है। तो ये सिलाइयाँ आप देख लीजिए एक बार कैसे निकालनी है। पहला फंदा उतार लेंगे और उल्टा फंदा उल्टा बुन लेंगे और पीछे धागा करके सीधा फंदा हमने उतार लेना है ऐसे। अब हमने यही रिपीट करते जाना है, उल्टा फंदा बनाएंगे और पीछे धागा करके सीधा फंदा उतार लेंगे, फिर धागा आगे करके उल्टा फंदा बनाएंगे और धागा पीछे करके सीधा फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करके उल्टा फंदा बुनना है और सीधा फंदा उतार लेंगे। तो आपने यही 4 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है। आपने उस तरफ से भी सीधा फंदा उतारना है और उल्टा फंदा आपने बुनना है। इस चीज़ का आपने 4 सिलाइयाँ बनाई है और उसके बाद मैं आपको गला बताऊंगी कि कैसे बनाना है आपने। तो यही रिपीट करते जाएंगे सीधा फंदा उतार, तो मैं ऐसे ही करूंगी 4 सिलाइयाँ। तो देखिए यहाँ पे सीधा फंदा उतार लूँगी, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बना लूँगी और लास्ट का फंदा भी मैं उल्टा ही रखूँगी इसमें। और देखिए यहाँ पे पलटने के बाद, तो देखिए अब इस तरफ पहला फंदा उतार लेंगे ऐसे और धागा अपनी तरफ करके ये फंदा उतार लेंगे। ये देखिए ये अगला सीधा फंदा ये उतार लेंगे, सॉरी ये धागा पीछे ही रहने देंगे और उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे ये उतार लेंगे। तो ऐसे करके आपने 4 सिलाइयाँ निकाल लेनी है। तो मैं 4 सिलाइयाँ निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा सुई वाला गला बनेगा क्योंकि मैं इसको सुई से बंद करूँगी। उल्टा फंदा बनाना है और सीधा फंदा उतार लेना है। ऐसे तो मैं 4 सिलाइयाँ निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। चौथी सिलाई है मेरी, 3 सिलाइयाँ निकाल के ये चौथी सिलाई है। तो यहाँ पे उल्टा फंदा उठा लिया और सीधा सॉरी उल्टा फंदा बुन लिया, सीधा उतार लिया, आगे धागा करूँगी और ये देखिए चौथी सिलाई कंप्लीट होगी। अब हमने सुई वाला गला बनाना है। तो देखिए इस तरह के लुक में आएगा ये देखिए। तो मैं धागा तोड़ लूँगी और धागा थोड़ा सा लंबा तोड़िए आप क्योंकि आपने गला बंद करना है। तो यहाँ धागा तोड़ने के बाद सुई में धागा डाल लेंगे और देखिए ध्यान से देखिए सुई वाला गला कैसे बंद करना है आपने। और यहाँ कम से कम मेरे पास 136 फंदे थे तो ये बहुत हैं, तो तभी मैंने थोड़े से फालतू रखे थे तो सुई से बंद करने के लिए। तो देखिए सबसे पहला फंदा हमारा सीधा है और बाद का फंदा उल्टा है। तो मैंने क्या करना है, इस फंदे में यहाँ से सुई डालनी है, चाहे आप यहाँ से डाल लीजिए स्टार्टिंग में यहाँ से डाल के, और उल्टे फंदे में आगे से सुई डालिए ऐसे। उल्टे फंदे के आगे से सुई डालनी है आपने, देखिए। अब देखिए हमारा यहाँ से जो सीधा फंदा है यहाँ से हम एक किनारी उठाएंगे और आगे सीधा फंदा है उस सीधे फंदे में से ऐसे सुई निकाल देंगे, देखिए। अब हम बैक साइड से आपको ये किनारी सी दिख रही होगी सीधे की, तो हमने ये ऊपर वाली उठानी है और उल्टे फंदे के आगे से ऐसे और फंदा उतार देना है और इसको निकाल देना है। और फिर हमने देखिए यहाँ से ये आपको किनारी दिख रही होगी सीधे फंदे की, तो सीधे फंदे की एक तरफ की किनारी ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठा लेंगे और आगे भी सीधा फंदा है तो उसमें ऐसे सुई डाल के उसको खींच लेंगे। और आपने यहाँ हाथ ढीला भी नहीं रखना और टाइट भी नहीं रखना। फिर बैक साइड से हमें ये किनारी दिखाई दे रही ये वाली, यहाँ से उठाएंगे और उल्टे फंदे के आगे से ऐसे उतारेंगे और इसको भी हम ऐसे खींच लेंगे। तो देखिए फंदे जुड़ रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए फिर आगे से यहाँ सीधा फंदा, ये देखिए सीधे फंदे की किनारी दिखाई दे रही,
और आगे भी सीधा है, तो सीधे को सीधे से मिलाएंगे ऐसे। इसको हमने ज़्यादा खींचना नहीं है। और बैक साइड की सीधी किनारी जो ये वाली, इससे उल्टी साइड के आगे को डालेंगे। बस आपने यही रिपीट करते जाना है। ये देखिए, अब फिर हमने ये वाली और ये सीधा फंदा, ये देखिए कर लिया। और अब बैक साइड से और उल्टी ऐसे। तो ये देखिए, आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए सीधे से सीधा मिल रहा है। तो ऐसे ही आपने करते जाना है, यहाँ से उठाएंगे और सीधे के साथ सीधा ऐसे मिला देंगे, और यहाँ पीछे से ऐसे सीधे किनारी से उठाएंगे और उल्टे के आगे से। बस आपने यही रिपीट करते जाना है, और ना बिल्कुल मुलायम हाथों से खींचना है इसको, ज़्यादा टाइट नहीं खींचना, और यहाँ से सीधे के साथ सीधा। तो मैं ऐसे ही करती जाऊँगी और अपना ये गला बंद कर दूँगी। देखिए, मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ, तो ये बैक साइड से एक लूप लेंगे, तो अभी यहाँ से लूप लेके इसके अंदर, और यहाँ से लूप लेके इसके अंदर। बस आपने इसी तरीके से पूरा गला बनाना है, और बहुत ही बढ़िया गला बन के आता है। तो ये लास्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ, ये देखिए। तो यहाँ पे आप अगर एक नोट लगाना चाहें, मतलब गांठ लगाना चाहें, तो ऐसे लगा सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया गला बन के आया, ये देखिए। और काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ये गला, तो आराम से जेंट्स के सर में आ जाएगा। देखिए, ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल। तो अब हमने जो मोंडा रह गया था, वैसे ही हमने जोड़ना है मोंडा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन मैं यहाँ से पहले इसकी सिलाई कर दूँगी गले की, ये उल्टा उल्टा मिला लेंगे, और यहाँ से यहाँ पहले इसको पक्का कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ से देखिए, और यहाँ से मैं ऐसे ऐसे इसको सिल दूँगी। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसे हम सिलाई करते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ, ये देखिए ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे। तो देखिए, अब हमें गला घटाना है ना, सॉरी कंधे घटाने हैं। तो कंधे भी हमने यहाँ से एक बार यहाँ को ले आऊँगी मैं, धागा बिल्कुल पास ले आऊँगी, और इसी धागे से कंधे घटा दूँगी, ताकि हमें अलग धागा नहीं लगाना पड़े। तो कंधे घटाना मैंने आपको बताया हुआ है, पिछली सिलाई से फंदा लेंगे, ये फंदा गिर गया, पिछली सिलाई से फंदा लेंगे, आगे डालेंगे, और यहाँ पे दो का एक करेंगे पहले, और फिर एक लेके इसके ऊपर डालेंगे, तो यहाँ तीन का एक, फिर ऐसे। तो ये कंधा भी मैं ऐसे ही जोड़ लूँगी जैसे वो जोड़ा था। तो देखिए, सारे फंदे घट गए हमारे, और ये लास्ट के सिर्फ दो रह गए हैं। तो
तो यहाँ देखिए पूरे फंदे घट गए और यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। तो यहाँ पे ये धागा डाल के इसके अंदर गांठ लगा देते हैं और इन धागों को आप बाद में सुई के साथ फिनिशिंग कर लीजिए। ये देखिए तो देखिए फाइनली लुक गले का ऐसा आया है और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है गले के अंदर, ये देखिए। तो जब ये थंबनेल में आपने देखा होगा कि कैसा आ रहा है, तो देखिए बहुत ही बढ़िया बन के आया है। तो चलिए यहाँ तक बना लीजिए और फिर मैं बाजू बताती हूँ आपको। देखिए बाजू बनाने के लिए हमें यहाँ जो फंदे लेने होंगे वो 10 नंबर की सिलाई में, मैंने बॉर्डर 10 नंबर पे बनाया हुआ है, तो 10 नंबर की सिलाई में 55 मतलब 55 फंदे लिए हैं, 55 फंदे लिए हैं। तो हमारा एक फंदा सीधा इधर आएगा और एक फंदा सीधा इधर आएगा, तो वही 19 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको फंदे डालना बताया हुआ ये वाले, तो आप वो वीडियो देख के फंदे डालिए। तो 55 फंदों के अंदर मैंने 19 सिलाइयाँ निकालनी हैं, 19 सिलाइयाँ मेरी सीधी तरफ, 19वीं सिलाई सीधी आएगी और 20वीं सिलाई मेरी उल्टी आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने 20वीं सिलाई पे अपनी 9 नंबर की सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि मेरा बॉर्डर 10 नंबर से बना हुआ है और बाकी ऊपर का 9 नंबर से। तो यहाँ पे मैं 20वीं सिलाई उल्टी उल्टी पूरी उल्टी बना दूँगी, यहाँ पर मेरा बॉर्डर कम्प्लीट हो जाता है। तो इसको मैं पूरी उल्टी बना दूँगी, तो इसको मैं पूरा उल्टा बना के फिर आपसे इसमें जो डिज़ाइन डालना वो दिखाती हूँ। तो देखिए 19वीं सिलाई मेरी, सॉरी 20वीं सिलाई मेरी उल्टी पूरी उल्टी कंप्लीट हो गई, लास्ट का फंदा भी उल्टा बना लेंगे। अब देखिए हम ये 10 नंबर की सिलाई छोड़ देंगे और 9 नंबर की सिलाई हम यहाँ पे, मेरी 20 सिलाइयाँ कम्प्लीट हो गई। 20 सिलाइयाँ कम्प्लीट होने के बाद अब हमने डिज़ाइन डालना है और डिज़ाइन मैंने बीच में डालना है, मैंने पूरी बाजू में डिज़ाइन नहीं डालना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे और 15 फंदे सीधे बनाएंगे, मतलब 16 फंदे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और 16, तो यहाँ 16 फंदे सीधे बना लेंगे ऐसे। और उसके बाद हमने धागा आगे करना है और यहाँ पे हमने 10 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1, 2, 10 फंदे मैंने आगे बना लिए हैं, 3, 3, 6, 9 और 1, 10, 10 फंदे बना लिए उल्टे, धागा पीछे करेंगे। यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू है जो हमारे 10 फंदे हैं, तो यहाँ से 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे सीधे धागा आगे और 10 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। तो हमारे 10 फंदे इस तरफ उल्टे हो गए, 10 फंदे इस तरफ हो गए और बीच में 4 फंदे सीधे हो गए। धागा पीछे करेंगे तो हमारे यहाँ कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15। तो 15 फंदे हमारे यहाँ हैं, 16 फंदे यहाँ हैं। तो हमने क्या करना है, इन फंदों को इस तरफ हमने एक फंदा बढ़ा लेना है ताकि हमारे दोनों साइड 16-16 फंदे हो जाएं। तो बढ़ाना कैसे है, देखिए आपने उल्टा फंदा, ये देखिए धागा पीछे को करके और सिलाई के ऊपर से, तो हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, मतलब 2 हो गए। और बाकी जो हमारे 15 फंदे आगे हैं उनको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, ये उल्टे बनाने आपने 15 फंदे, तो देखिए यहाँ पे हमारे ये बढ़ाया हमने तो 15 फंदे और उल्टे, तो 16 हो गए। अब धागा पीछे करेंगे और जो हमारे 10 फंदे उल्टे इस तरफ से थे वो हमने 10 फंदे सीधे बनाने हैं, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे मैंने डिज़ाइन में बताया हुआ आपको, स्टार्टिंग से आप
फ्रंट पल्ले में देखेंगे तो आपने किस तरीके से डिज़ाइन डालना है। तो यहाँ पे मैं चार सिलाइयाँ निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 फंदे सीधे आगे धागा करके 4 फंदे उल्टे जो हमने सीधे बनाए थे, 4 फंदे उल्टे बना लिए धागा पीछे, 10 फंदे फिर सीधे और बाकी के फंदे पूरे उल्टे। ये 10 फंदे हमने सीधे करने हैं जो उल्टे करें। देखिए 16 फंदे हमारे उल्टे आ गए ये यहाँ पे। देखिए मैं आपको एक बार सीधी तरफ से डिज़ाइन दिखा देती हूँ कि कैसे है। देखिए ये देखिए बीचों बीच आपका डिज़ाइन आ गया और आपके 16 फंदे इधर और 16 फंदे इस तरफ हो गए। तो अब आपने 16 फंदों में ये 16 फंदे ऐसे ही बना लेने हैं, ये वाले 16 फंदे सीधे बनाने के बाद आपने 10 फंदे जो उल्टे बनाए हैं उसमें से आपने 9 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो मैं 9 फंदे उल्टे बना लूँगी और यहाँ से हमारा डिज़ाइन की तीसरी सिलाई स्टार्ट हो गई है। तो देखिए धागा पीछे करूँगी, यहाँ पे 10वां फंदा उल्टा रह गया है और 4 फंदे हमारे सीधे हैं जिनमें से मैं 2 फंदे सीधे उतार लूँगी और ये उल्टा फंदा पहले आगे डाल लूँगी, ये पीछे कर दूँगी 2 फंदे सीधे और इसको अंदर ले लूँगी उल्टे फंदे को और 2 सीधे फंदे बनाऊँगी और इस फंदे को उल्टे को उल्टा ही बनाएंगे। ये अंदर आ गया, उल्टा बनाएंगे इसको, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे आगे 2 फंदे सीधे हैं इनको ले लूँगी और एक फंदा इस तरफ से उल्टा ले लूँगी और उल्टे फंदे को हमने पीछे की तरफ से आगे सिलाई में डाल के सीधा बुन लेना है, ये सीधा और यहाँ पे 2 फंदे सीधे। और यहाँ देखिए हमारे अंदर 2 फंदे आगे, एक उल्टा एक सीधा, बाकी हमारे ये 2-2 फंदे जो यहाँ पे 4 फंदे सीधे थे ये 2 इस तरफ आ गए, 2 उस तरफ चले गए और एक एक उल्टा फंदा अंदर आ गया, बाकी हमारा 9 फंदे उल्टे और 16 फंदे हमारे सीधे बनेंगे और उल्टी सिलाई में अपोजिट बनेंगे सारे फंदे, 16 फंदे सीधे और यहाँ पे हमने 16वां फंदा बढ़ाया था क्योंकि हमें फंदे बराबर चाहिए थे। तो 56 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन सेट हो जाता है और बॉर्डर का डिज़ाइन 55 फंदों में, तो 55 फंदों में बॉर्डर और 56 में हमारा ये डिज़ाइन। तो देखिए यहाँ पे पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको एक सिलाई और निकाल के दिखाती हूँ, उसके बाद फंदे बढ़ाना बताऊँगी कि आपने बाजू में कैसे फंदे बढ़ाने हैं। तो इन 16 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, 16 फंदों को उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और हमने 9 फंदे सीधे बुनने हैं क्योंकि उल्टे फंदे उस तरफ से हमारे इस तरफ से हमने उल्टी तरफ से ये सीधे बुनेंगे। ये 9 फंदे हमने सीधे बुने, धागा आगे करेंगे, अब हमारे बीच के जो 6 फंदे हैं वो उल्टे बुनेंगे। देखिए 6 हो गए क्योंकि बीच में 2 फंदे और आ गए थे और ये 6 फंदे और फिर धागा पीछे करके 9 फंदे सीधे बनाएंगे और बाकी फंदे सारे उल्टे बनेंगे जो 16 हैं। और देखिए मेरी डिज़ाइन की ये देखिए यहाँ पर हमारा डिज़ाइन खुलने लग गया, तो मेरी डिज़ाइन की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। मतलब वैसे अगर गिनती करेंगे इनकी तो हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई लेकिन 4 सिलाइयाँ क्योंकि एक फंदा बढ़ाया था तो 6 सिलाइयाँ हो गई ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए कैसे बढ़ाना है, सीधा इस तरफ से ऐसे लेंगे और धागे को अपनी तरफ ला के ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ हमारा एक फंदा बढ़ गया, आपने सीधी तरफ से ऐसे फंदा बढ़ाना है और बाकी फंदे आपने सीधे बनाने हैं जो यहाँ पे सीधे सीधे फंदे रखे हैं। अब आपके बाजू में यहाँ से फंदे बढ़ाना स्टार्ट हो गए क्योंकि मैंने बॉर्डर के बाद फंदे नहीं बढ़ाए उल्टी सिलाई में, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दूँगी धागा आगे करके। ये उल्टे फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं, अब ये फंदे हमारे 8 बनेंगे, पहले हमने 9 बनाए थे अब 8 फंदे बनेंगे क्योंकि एक फंदा जो हमारा लास्ट का है वो हमें अंदर करना है। तो देखिए एक फंदा बचा, धागा पीछे करेंगे, ये अंदर ये फंदा हमने अंदर ले जाना है। तो देखिए 2 फंदे करके हमने पीछे की तरफ से इस फंदे को
ले जाएंगे और दो फंदे सीधों को आगे कर लेंगे। और दो फंदे सीधे बनाए, पहले सबसे पहले सीधे बनाएंगे और धागा का आगे करके हर बार ये फंदा उल्टा बनाना है, और जो अंदर फंदे हैं एक फंदा सीधा बनाना है, फिर धागा आगे करके उल्टा बनाना है, एक फंदा धागा पीछे करना है, और फिर देखिए दो फंदे सीधे रह गए। अब इस तरफ से भी हमने एक फंदा उल्टा जो ले लेंगे और दो फंदों को पीछे कर देंगे, तो इस फंदे को लास्ट के को सीधा बनाएंगे और दो फंदे फिर सीधे कर लेंगे और धागा आगे करके आठ फंदे उल्टे बनाएंगे और बाकी के सीधे बनाएंगे जो लास्ट में रह गए हैं। तो देखिए सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। और इस सिलाई में हमने एक फंदा बढ़ाया है साइड में यहाँ पे, अब वैसे ही हमने उल्टी तरफ से एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए उल्टी तरफ हमने उल्टा ऐसे करना है और धागे को सीधी सिलाई में हमने ऐसे लिया था ऊपर को, इसमें हम नीचे की तरफ से ले जाके ऐसे बनाएंगे। ऐसे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए एक फंदा बढ़ गया। अब जो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे वो उल्टे बुनेंगे यहाँ पे, ये फंदे हमने साइड के रखे हैं ये उल्टे उल्टे बनेंगे। ये उल्टे बने, धागा पीछे करके अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ फंदे सीधे बने क्योंकि उस तरफ ये उल्टे हैं। धागा आगे करके यहाँ हमारे बीच के जो फंदे हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ फंदे उल्टे बनेंगे, धागा पीछे करके आठ फंदे सीधे बनेंगे। उल्टी तरफ आपने अपोजिट डालने हैं, बस आपने बीच के फंदे उल्टे रखने हैं ये वाले, तो ये जब भी अंदर आएंगे तो ये फंदे उल्टे बनेंगे और बाकी उल्टे फंदे जो आपके वो उल्टे बनेंगे सारे। जो उल्टे फंदे सीधी तरफ दिखाई दे रहे वो सीधे बनेंगे बस, बाकी सब उल्टे बनेंगे। एक बार आप फ्रंट साइड के पल्ले में डिज़ाइन देख के डाल सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक फंदा बड़ा होता हमने ऐसे ही उल्टा बुनना है उसको, ये देखिए इस तरफ हमारा बंदा बढ़ गया है और यहाँ देखिए मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरह के लुक में आएगा। तो बीच में ही डिज़ाइन चलेगा, जो भी फंदे बढ़ेंगे वो इस तरफ और इस तरफ बढ़ेंगे। तो अब हमने क्या करना, देखिए एक सिलाई में इसमें बढ़ाया, एक में इसमें बढ़ाया, तो दो सिलाइयाँ हमारी होगी। अब हमने तीसरी सिलाई भी ऐसे ही डालनी नॉर्मल जैसे डालते हैं और चौथी भी वैसे ही डालनी है और पाँचवीं सिलाई में फिर हमने फंदा बढ़ाना है। हर पाँचवीं सिलाई में आपने फंदा बढ़ाना है और अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे दो सिलाइयाँ डाल के फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मेरी यहाँ चार सिलाइयाँ निकल गई हैं, एक में मैंने बढ़ाया था, दूसरी में बढ़ाया था, फिर तीसरी ऐसे ही निकाली, चौथी ऐसे ही निकाली, तो अब पाँचवीं सिलाई है इस तरफ से। तो इस तरफ से फिर हमने फंदा बढ़ाना है और फिर उल्टी सिलाई में भी बढ़ाना है, फिर हमने दो सिलाइयाँ वैसे ही निकालनी है, फिर उससे पाँचवीं सिलाई में फिर हमने फंदा बढ़ाना है। मतलब जो पहली सिलाई में आपने फंदा बढ़ाया तो उसको गिनिए आप सिलाई को, और फिर उससे एक्स्ट्रा चार सिलाइयाँ और गिनिए, तो सॉरी तीन सिलाइयाँ और गिनिए, तो चार हो जाएंगी। पाँचवीं सिलाई में सीधी में आपने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ आपके उल्टे फंदे लेस होते जाएंगे, ये अंदर आते जाएंगे, एक फंदा इस तरफ से एक फंदा इस तरफ से, तो आपका एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा ये फंदे यहाँ से बनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टे बनेंगे। तो इस डिज़ाइन को आप ऐसे ही बनाते जाएं और फंदे आपके इस तरफ दोनों तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ आपके 56 फंदे हैं, तो मैं कम से कम यहाँ 106 फंदे कर लूँगी अपनी बाजू में, क्योंकि जेंट्स बाजू है ये, थोड़ी सी भारी मोटा होता है जेंट्स का, तो 106 फंदे मतलब 50 फंदे और बढ़ जाएंगे, 25 फंदे इस तरफ, 25 फंदे इस तरफ और बढ़ा के इसकी लेंथ मैं कम से कम 19 इंच के करीब करके फिर आपको दिखाऊँगी। तो लेंथ आपने मैंने आपको बढ़ाना बता दिया कैसे आपने बढ़ाना है, हर पाँचवीं सिलाई में आप बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे भी हम मैंने वैसे ही बढ़ाना जैसे आपको बढ़ा के दिखाया। तो चलिए मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे बाजू की लेंथ आपको बताई थी, सॉरी बाजू बताई थी बताना, तो देखिए मैंने इसको बना लिया है। तो मेरे यहाँ पर एक दो तीन चार और साढ़े चार डिज़ाइन आए हैं ये वाले, और इसकी लेंथ देख लीजिए। और जिस भी जेंट्स के लिए मैं ये बाजू बना रही हूँ तो कम से कम उनकी बाजू 22.5 इंच के करीब है,
पूरी जो टोटल लेंथ है 22.5 इंच के करीब है। तो ये जो मेरी लेंथ है ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से नाप लूँगी तो 20.5 इंच के करीब ये बन गई है मेरी ये लेंथ। ये देखिए यहाँ से यहाँ, और यहाँ जो मेरे टोटल फंदे हैं वो 106 फंदे हैं। 106 फंदे मैंने बना लिए और 4.5 मेरे ये डिज़ाइन आए हैं, मतलब 4 डिज़ाइन पूरे आए हैं और आधा डिज़ाइन और आया, मतलब हाफ डिज़ाइन आया। तो अब मैंने बाजू को घटाना है, तो बाजू को सिंपल तरीके से घटाऊंगी, बिल्कुल 106 फंदे हो गए हैं, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सिर्फ 2 सिलाइयों में बताऊंगी, वही आपने कंटिन्यू करते जाना है। तो देखिए कैसे घटाना है बाजू को, आपने 4 फंदे घटाने हैं पहले, सबसे पहले 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। बाजू की घटाई में अपना थोड़ा ढीला हाथ रखिए, तो 4 फंदे घट गए, बाकी हमारे सीधे फंदे हैं जो सीधे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बीच में आ गई हूँ, तो डिज़ाइन देखिए हाफ डिब्बी है ही, तो अब हमने 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं और अब हमने इस डिब्बी को अंदर की तरफ लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे उठा लेंगे और अंदर वाला फंदा अब हमने बाहर की तरफ को निकालना है, क्योंकि हमारी डिब्बी आधी हो गई है, और इसको फंदे को बाहर निकाल के इस फंदे को भी उल्टा बना लेंगे, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे, तो हमारे यहाँ 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे। धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, और हर बार धागा आगे करके जो हमने एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, यही कंटिन्यू करना है इसके अंदर जो हमारे फंदे हैं। और अंदर हमारे 16-16 फंदे आ जाएंगे, क्योंकि हमने 2-2 फंदे बाहर रखे हैं, 16 फंदे आ जाएंगे। और अब इस तरफ से भी हमने ये फंदा बाहर ले जाना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 फंदों को उठा लेंगे और ये जो अंदर वाला फंदा है इसको पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से ऐसे और पीछे ले लेंगे और इन 2 फंदों को आगे कर देंगे, तो हमारा डिज़ाइन अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, क्योंकि पहले 2 थे अब 3 हो जाएंगे। अब जो फंदे हमने यहाँ से, पहले हमने यहाँ से 10 फंदों को अंदर लेते हुए गए, यहाँ पे 2 फंदे रह गए थे, अब हमें क्या करना है, ये फंदे एक एक करके हमें बाहर निकालने हैं, तो हमारी डिब्बी बंद होने लग जाएगी। धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे पूरे सीधे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ सीधी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई, और सीधी तरफ मैंने आपको 4 फंदों की कटाई बताई थी, ऐसे ही सेम आपने उल्टी तरफ से 2 का 1 करना है, फिर आपने 2 का 1 और थोड़ा ढीले हाथों से फिर 2 का 1, ऐसे आपने फिर 2 का 1, 4 फंदे यहाँ पे घटा लेने हैं ऐसे, और आपने यही कटिंग करते जाना है। और बाजू की अपनी कटिंग 4 फंदों से स्टार्ट करनी है, उल्टी सिलाई में उल्टे जो फंदे बनेंगे उल्टे, और बीच में जाके जो सीधे फंदे बनेंगे वो सीधे बनाएंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है, और आपने लास्ट का फंदा भी उल्टा बना लूँगी। अब देखिए सीधी तरफ फिर आ गई, सीधी तरफ फिर आपने थोड़ा ढीले हाथ से 4 फंदे फिर घटाने, 1, 2, 3, 4, तो आपने ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है और 4-4-4-4 फंदे दोनों तरफ से घटाते जाना है। कम से कम आपने यहाँ पे 10-11 बार 4-4 फंदे घटाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 2 बार घटा दिए, कम से कम 10 या 11 बार आपने 4-4 फंदे घटाने हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने घटाई की है, इसमें कोई मुश्किल घटाई नहीं है, तो 4-4-4-4 ऐसे करते जाएंगे जब तक हमारी यहाँ पे ये 10-11 बार घटाई नहीं हो जाती, ऊपर थोड़े से फंदे नहीं रह जाते, तब तक हमने इसकी बाजू की घटाई करते जाना है। तो मैं घटाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने बाजू की घटाई कर दी है यहाँ पे, और बाजू की घटाई मैंने आपको 4-4 घटाई थी, तो मैंने 4-4 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार यहाँ 4-4 की घटाई करके, और देखिए यहाँ पर मैंने
इस डिज़ाइन के बाद आगे मैंने डिज़ाइन नहीं रिपीट किया, बस मैंने वो 4 फंदे सीधे रखे हैं और 10 फंदे उल्टे रखे हैं। जो भी मतलब डिज़ाइन आगे नहीं मैं लेके गई हूँ क्योंकि बाजू की लंबाई कंप्लीट हो गई थी और कटाई भी। तो हमने अब क्या करना है, जब हमारे ये 10 बार इधर से 10 बार उधर से घट जाएंगे तो इस तरफ से रह गए मेरे 4 फंदे घटने को। तो अब मैंने क्या करना है, इन पूरी 26 फंदों को, क्योंकि 26 फंदे सॉरी 40 फंदे इधर से 40 फंदे उस तरफ से घट जाएंगे तो 80 फंदे और घट जाएंगे, तो 106 फंदों में हमारे 26 फंदे ऊपर रह जाएंगे। 26 फंदों को हमने ढीले ढीले हाथ से पूरा घटा देना है। इन पूरे टोटल फंदों को उल्टी सिलाई में आपने ऐसे घटाई कर देनी है, इनकी दो का एक करते जाएंगे। और ये मैं पूरे घटा लूँगी। तो देखिए यहाँ पूरे फंदे घट गए हैं, यहाँ पे पूरे टोटल फंदे घट गए। अब हम इसको धागे को तोड़ लेंगे। धागे को तोड़ने के बाद हमने इसके अंदर से इसको धागे को ऐसे डाल देना और टाइट कर देना। तो देखिए हमारी बाजू की जो कटिंग है वो ऐसे आई है। देखिए यहाँ बीच में से मैं मिलाऊँगी, देखिए। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने कटिंग बताई आपको। और देखिए बाजू भी हमारी कंप्लीट होगी। आपने दूसरी बाजू भी ऐसे ही बनानी है। तो इस बाजू में मेरे 5 डिज़ाइन आए हैं, मतलब पूरे घटाने तक 5 4.5 पे। तो अब मैं इसकी सिलाई करके दिखाऊंगी क्योंकि बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने क्या करना है। तो देखिए स्वेटर में आपने ये देखिए स्वेटर में आपने जहाँ पर आपका मोंडे का जोड़ है वहाँ पर आपने बाजू को रख लेना है। ये देखिए ये सीधा है हमारा और बाजू हम उल्टी करेंगे और उल्टी बाजू में हमारा बीच का ये चीज़ है। देखिए इतनी बाजू उधर है और इतनी बाजू उधर है तो बीच का हिस्सा कर लेंगे इसका। तो ये बीच का आएगा और उल्टी बाजू यहाँ पे इस वाले निशान से ये उल्टा मिला लेंगे। और अब यहाँ मैं डाल लूँगी धागा सुई में धागा डाल लेंगे और बाजू सीलना बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो देखिए आपने मोंडे की सिलाई ये है और बाजू की आधा हिस्सा ये है, मतलब जहाँ बाजू का आधा होता है। तो हमने इन दोनों को जोड़ लेना ऐसे और यहाँ से देखिए यहाँ से हमने इसमें गांठ लगा लेनी है पक्की सी और 2 बार लगा लेंगे ताकि हमारा बीच का हिस्सा पता लग जाए हमें। और सिलाई मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है लेकिन चलो थोड़ी सी बता देती हूँ। अब यहाँ से यहाँ आगे डालना है, ऐसे आगे डालते जाएंगे और यहाँ से फिर पीछे से फिर ये देखिए फिर यहाँ आगे ऐसे और फिर यहाँ पे पीछे से ये देखिए यहाँ पे और यहाँ से यहाँ दोनों पल्लों को साथ साथ ले लेना आपने ऐसे मिला के। देखिए मोंडा हमारा यहाँ है और बाजू हमारी यहाँ, तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बड़ा छोटा नहीं है। तो हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे इसकी और यहाँ पे यहाँ से बिल्कुल किनारे से आपने तो आपने पूरी बाजू यहाँ तक सिलाई कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक और बाद में आपने ये यहाँ से वहाँ तक। तो मैं कर लेती हूँ, बाजू की सिलाई कंप्लीट होगी और जो ये बचे हुए धागे हैं आपके इनको आपने सुई के अंदर डाल के ऐसे सुई के अंदर डाल लीजिए। और इसी के अंदर कहीं एडजस्ट कर देंगे क्योंकि इनको तोड़े नहीं तो ये स्वेटर उधड़ने का खतरा रहता है। तो आप इस तरह इनको एडजस्ट कर लें तो इससे आपका स्वेटर उधड़ेगा भी नहीं अगर ढीली गांठ लगी होगी। तो ऐसे बचे हुए धागों को सारों को आप ऐसे कर लीजिए। और देखिए मैंने बाजू की सिलाई कंप्लीट कर ली है तो
देखिए यहाँ पे बाजू की, ये देखिए बीचों बीच जॉइंट के बिल्कुल सामने डिज़ाइन आ रहा है, तो देखिए ऐसे। और बाजू की जो सिलाई है कितनी बढ़िया हुई, दिखाई भी नहीं दे रही है। तो दूसरी तरफ भी ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। फाइनल लुक आपने थंबनेल में देख लिया होगा और बाकी स्टार्टिंग में भी देख लिया होगा जब वीडियो स्टार्ट हुई थी। और अब हमारी ये साइड की जो सिलाई है, क्योंकि हमने बाजू की सिलाई कर ली है, सॉरी मोंडे की सिलाई कर ली है, बाजू की करनी है। तो देखिए बाजू को हम ऐसे करेंगे। अब इसमें दो धागे लगे हैं, एक धागा तोड़ लेंगे। तो यहाँ से मैंने एक धागा तोड़ लिया, थोड़ा सा रखा, और आपने इसको भी सुई में डाल लेना है। जो आपके एक्स्ट्रा धागे आपने छोड़े हैं, जो मतलब फंदे डालने में एक्स्ट्रा रह जाते हैं, तो इनको आपने उल्टा कर लेना है ऐसे बाजू को, और आपने इसमें पक्की सी गांठ लगा देनी दो तीन बार स्टार्टिंग में। और इन धागों को भी अंदर ले लीजिए स्टार्टिंग में ऐसे। और सिलाई आप ऐसे ही कर लीजिए जैसे मैंने मोंडे की बताई है, ऐसे ऐसे, तो पीछे से ऐसे और आगे की तरफ निकाल देना है ऐसे। अब फिर पीछे से ऐसे, तो फिर आगे की तरफ ऐसे निकाल देंगे, और फिर ऐसे ऐसे करके आप इसकी पूरी सिलाई जो ये यहाँ तक और फिर आगे पूरा कर लीजिए। तो ऐसे मैं पूरी सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी सिलाई करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया बाजू का, और ये पूरा ऐसे ही करना है। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स सिलाई करने के बाद फाइनल लुक ऐसा आ रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर बन के आई है ये देखिए। और लंबाई भी बहुत अच्छी खासी बनी है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स इतनी मेहनत करने के बाद यही कहूँगी कि प्लीज़ आप नीटिंग के चैनल कोई भी हो, अगर आप इतनी मेहनत कोई करता है तो प्लीज़ उसके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।